हमेशा दैत्यों के बारे में पूछते हो। तुम्हें क्यों नहीं पता लाश ढूंढने वाली टीम का लीडर कौन है भला? हा? उसके सिगरेट जलाने से ही भूत भाग जाते हैं। छोरों को पकड़ना बाएं हाथ का खेल है। खाली ओवरपास पर नजर मारने से उसने बड़े बड़े जासूसों के बड़े बड़े मिशन नाकाम किए हैं। तुम्हें उसके बारे में जानना है तो ध्यान से सुनो। मिस्टर कुओ तियानजिन में नदियों के राजा है। राजा अजीब भूकंप था यार, सांप भी बाहर आ गए। अब हिलना मत, यहीं रुको। अबे सुन, ये भूकंप बहुत तेज था है ना? तुम्हें ये तेज लगता है, मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ, सच कह रहा हूं। पर हम गैर कानूनी मछली के जाल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर ये बात बाहर गई तो जलरक्षक हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझे? सब ठीक है, लोगों ने नदियों के राजा के बारे में सुना ही नहीं है तो शिकायत कैसे करेंगे। और हाँ, शी की बेटी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, ये बात सच है। मेरी बात समझे? वो नदी में उसकी लाश ढूंढ रहा होगा, उसके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। सुनो, तुम क्या रोज मछली पकड़ते हो? तुम्हें क्या रोज मिल जाती है मछली? अरे बिल्कुल नहीं यार, दिन में 200 किलो मुश्किल से हाथ लगती है। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग रिक्शा खींच कर थक गए हो क्या? मछली पकड़ने के धंधे में आना है? मेरी माँ ने कहा था रात में ये नदी जलवा बिखेरती है, जलवा जो इंसानों का दिमाग खाता है। मुझे अभी नहीं मरना। क्या बकवास है, जलवानर मेरे सामने मुर्दे भी आ जाए ना तो मैं एक लात में उसकी हवा निकाल दूं। सच में ऐसे वानरों को तो मैं बिना चटनी के हर दिन नाश्ते में खाता हूं, बिल्कुल नहीं डरता हूं मैं। मछली फंस गई। लगता है बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। बहुत भारी है। भारी है। कम से कम 100 किलो होगी। दम लगा के खींच। किस्मत अच्छी रही तो पूरी मेरा चल जाएगा। अभी तो चांद चल रहा है। एक और। लगता है बहुत बड़ी मछली है। भूत, भूत, भूत। ये तो लाश है। कहीं ये लाश जिंदा हो गई तो हा? चलो नाश्ता तैयार है। अबे नहीं, सब दूर हो जाओ, ये फिर से जिंदा हो गई तो पुलिस को बुला लेते हैं। उसका कंगन देख, बहुत कीमती होगा ना? चल मैं ही निकालता हूं। ये सो क्या कर रहा है यार? ये कंगन सोने का नहीं है। अरे तुम भाई, तुम मुझे गिरफ्तार तो नहीं करोगे ना? देखो इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। हाँ, ये गैर कानूनी है। ओ अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। अगर तुम ऐसी मछलियां यहाँ पकड़ते रहे तो मछलियां नहीं बचेंगी। हाँ, पर तुम्हारे पास कोई गवाह है क्या? कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम सबके घर पता है, तुम सबके समझे?
हिलना मत करो, छोड़ो मुझे, हिलो मत, छोड़ो छोड़ो, ये तो दादागिरी है। तुझे तो हम सबके घर पता थे ना, चलो बता मेरा घर कहाँ है। किंग काउंटी। तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बुहोजल पुलिस स्टेशन। डिंग, मैं हूं ऑफिसर डिंग। तुम अब तक नदी में क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, मुख्य साचा नदी से लाश निकाल रहा था, फिर भूकंप आ गया और मैं यहां पहुंच गया। क्या मतलब, तुम तब से नदी के अंदर हो सच में? अबे कोई नई बात तो नहीं। बराबर सर। तुम लोग कौन हो? ये लोग गैर कानूनी जाल डालते हैं, इन्हें बांध दो। ठीक है। अरे मैं लाश की बात कर रहा था। ये सांप यहाँ क्या कर रहा है? बेचारा सांप, दुनिया बहुत खराब है। चल घर जा बच्चे। श्रीमान, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। ए शेंग, जल्दी करो, मैं आ रहा हूं। लाश मिस्टर कू, अब कौन मर गया यहाँ? क्या इन्होंने मारा है? अबे मोटे, हमने किसी को नहीं मारा, हमारा इस जमेले से कोई लेना देना नहीं। चले जाओ यहाँ से। गुवो, आप फिर से लोगों के सामने आ गए। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, कैमरा तैयार करो, जल्दी फोटो ले। चलिए स्माइल प्लीज। नहीं, फोटो खींचो। मास्टर कहते थे हम नदी के अच्छे रखवाले नहीं बन पाएंगे, उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर बदकिस्मती का साया है। मास्टर शायद सही थे। मैं तो बदकिस्मती से परेशान हो गया हूं। ठीक है चलो, अब जल्दी करो और दवाई पी लो। उस लड़की की लाश को बाहर निकालने के लिए तुम काफी देर से पानी के अंदर थे। बात क्या है? कुछ नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया है। डॉक्टर ने कहा है अब तुम्हें भ्रम भी हो सकता है, समझे तुम? तुम्हें कुछ दिखा था क्या? खाना ठंडा हो रहा है। ये मेमना तो बहुत अच्छा बना है, सच में अच्छा है। तो तुम्हें मेमना पसंद नहीं है? उसके होते हुए तुम लोग कैसे खा सकते हो? अरे खाओ ना, लाश ही तो है। तुमने लाश के ऊपर से चैन उतारी? लाश पानी के अंदर करीब 6 महीने से ज्यादा रही होगी, चैन मांसपेशियों में फंस गई। वो मोटी चेन शायद बाहर रखी होगी गार्डन में, और उसमें जंग भी लग गया होगा। लगता है ये स्टॉम्प है। नहीं, ये सील नहीं है। सील? पर किस लिए? उन लाशों के लिए? यहां कुछ तो अजीब है, पानी में इतना वक्त रहने के बाद कोई भी लाश सड़ सकती है, पर ये दोनों लाश सख्त हो गई हैं। बच्चा कहां गया? मत देखना, देख माओ, हथियार लेकर आओ, बच्चा इसके पीछे है। क्या? मेरे पीछे? कौन है मेरे पीछे? कुओ, यहां तो कोई भी नहीं। तुम्हें क्या फिर से कुछ दिखाई दिया? मिस्टर कू, आपने क्या देखा था? मैंने
पेपरमैन को हमारे मरे हुए बच्चे के साथ देखा था जो ठीक तुम्हारे पीछे था। ये नहीं हो सकता, मैं खुद बच्चे को ताबूत में डाला था। इसका मतलब हम कब से यहां दरवाजा खटखटा रहे हैं, तुम लोग कर क्या रहे हो? बाबा ये सब कैसे हुआ? पानी के नीचे चोट लग गई थी। क्या तुम्हारा संपर्क लाश के साथ हुआ था? आप तो सब जानते हैं बाबा, कुओं के साथ क्या हो रहा है। उस पर जादू हुआ है। मतलब जादू टोना जैसा कुछ? ये काला जादू है, जिस पर भी असर करेगा उसमें ताकत नहीं बचेगी। इसलिए वक्त का उपयोग करो, भूत दिखाई और सुनाई देंगे, फिर उसका शिकार अपनी जान ले लेगा। इससे बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। अरे बाबा कुछ आसान भाषा में समझाओ ना। मास्टर ने कहा था टोटके का शिकार होने पर हमें अजीब चीजें दिखती हैं, वक्त के साथ साथ हमारी ताकत भी साथ छोड़ देती है। इसका कोई इलाज तो होगा। बाबा क्या बीमारी का कोई इलाज है? डॉक्टर ने दवाई तो दी है। उन देवों के बारे में मुझे क्या पता। आखिरी बार मैंने एक बहुत ही पुरानी शैतानी किताब में ऐसा जादू देखा था। हाँ मुझे याद है। जादू पुरानी सड़क? हाँ उस किताब ने ही तुम्हारे बड़े भाई की जान ली थी। 20 साल पहले मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मैं यहाँ का जाना माना पुलिस अधिकारी हुआ करता था और उस वक्त यहाँ से बहुत से बच्चे लापता होने लगे। एक दिन मुझे किसी ने यह खबर दी कि बच्चे का चोर साउथ गेट पर आने वाला है, तो मैं रात में ही उस जगह में छुप गया। लिंगोंग मंदिर यूसे जनरल ली ने बनवाया था, मुझे याद है। उनके मरने के बाद उस जगह पर लोग खेती करने लगे, पर बाद में पूरी जगह खंडर बन गई क्योंकि लोग उस जगह को शापित मानने लगे। मैं भी इन चीजों को नहीं मानता था, पर उस रात सब कुछ बदल गया। मैंने इसे इंसानी तस्करी का केस समझा था, लेकिन जब उस चीज ने मुझे पलट कर देखा तो उस पल से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मैं डर गया। मैंने सोचा भी नहीं था बच्चों को चुराने वाला कोई बंदर होगा। शैतान से लड़ता रहा, वो मुझे मारता रहा। तभी मैं उसे लेकर कुएं में कूद गया।
उन सारे बच्चों के लापता होने के पीछे मैजिक ओल्ड रोड के पागल का हाथ था। उसे पता था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने खुद को कुएं में छुपा लिया और उसने बंदर के बच्चों को चुराने सिखाया। तुम्हारे भाई की लाश भी वही है। उसे बच्चों की कुर्बानी देकर अपनी उम्र बढ़ानी थी, फिर वो भी मारा गया। उस किताब में जादुई पुरानी सड़क का जादू था। मैं बहुत जख्मी हो चुका था। थोड़ी देर ताकत इकट्ठा करने के बाद मैं वहां से बाहर आ गया, पर मुझे क्या पता था कि ये खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरू हुआ है। मेरे हाथ में क्या है? वो लड़का उस पागल का चेला निकला। तो क्या उसे आपने ही खराब किया था क्या? बोलने से पहले सोच लिया कर, अपना मुंह बंद कर और खाना खा। आपकी कहानी सुनकर बुरा लगा बाबा, फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद पुलिस ने उसके किसी साथी को पकड़ लिया। उससे हमें उस लड़के के बारे में पता चला। उसका नाम लियान हुआकिंग था। लियान हुआकिंग? थोड़ी देर, हाँ खाना तैयार होने वाला है। लियान मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ हमारे साथ खाना खाओ। पापा भूख लगी है। देखो ना यार, बच्चा भी भूखा है। रुको बेटा, पापा अभी बंस देख कर आते हैं। बहुत गर्म है, मैं इसे ठंडा कर देता हूं। ये पूरा वन तुम्हारे लिए है, इसलिए आधा वन अंकल लियान को दे देते हैं। मुझे भूख नहीं लगी। सुनो भाई, क्या हम बात कर सकते हैं? रास्ते में आ सकता है, तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? घबराओ मत, कल के खाने के बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओह, तुम कुछ लोगे? सुनो सुनो, बन तैयार हो गए, चलो उठ जाओ। गुस्सा हो गए हो क्या? मैं बच्चे के साथ बाहर जा रहा हूं। पापा बाहर चलो ना, चलो। हाँ चलो बाहर चलते हैं, चलो। हे टिंग, तुम्हारे पास और बंस हैं? मुझे कहीं देख नहीं रहे, तुम सारे बंस खा गए, अब और बंस नहीं है। तुम बोलो बाबा, उसके बाद क्या हुआ? मेरी नौकरी चली गई और क्या। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं कुछ और कर सकूं। उसके पास मैं पास में ही ओवरपास पर छोटे मोटे काम करने लगा। मैंने कहानियां सुनाई, दवाइयां बेची। तुम्हारे मास्टर की मदद से ही मैं आज जिंदा हूं। मतलब ये दोनों माँ और बच्चे मैजिकल ओल्ड रोड से मरे हैं और गो को लियान हुकिंग ने बीमार किया। कहते हैं बहुत पहले कभी बाढ़ आई थी जो हमें किताबें दे गई थी। कहते हैं नदी को शांत करने के लिए नौ भेड़िए, दो शेर और मुर्गे की कुर्बानी देनी पड़ी। यहाँ हमारे पास दो शेर हैं और यह जादुई पुरानी सड़क का काला जादू है। पहले उन्होंने ये सील ढूंढी,
और फिर माँ और बेटी की लाश से दोनों सील्स को तोड़ दिया, समझे तुम? उन्होंने ये सब पृथ्वी से हवा और नदी से पानी सोख कर फिर से तियानजिन में बाढ़ लाने के लिए किया होगा। ये बताओ बाबा, आपको ये कहानियां मिलती कहां से? ये सब बकवास है, अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। तुम यहां आए क्यों हो? कुछ बताओगे या बस खाते ही रहोगे? चलो, तुम्हारा मेरे ऊपर ध्यान तो गया, मैं बस किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूं। तुम ये एहसान प्यार से कर रहे हो? और किस पर? श्रीमान शिपार, तुम भूल गए? तुम्हें दो लाशें मिली है, ये वह चारों ओर फैल गई है। सब कह रहे हैं मिस्टर शी की बेटी कुवारी मां बन गई, इसलिए डूबकर मर गई। अरे वो नहीं होगी यार, मुझे नहीं लगता। तुम लोगों को तो पता नहीं, तो मिस्टर शी ने मुझे उसका संदेश तुम्हें सुनाने के लिए कहा है। उनका क्या कहना है, अगर तुम ये केस सुलझाओगे और लोगों का मुंह बंद करते हो तो बदले में तुम जो मांगोगे तुम्हें सब मिलेगा, और तुम्हारे इनाम में से मुझे अपना कमीशन भी मिलेगा। तुझे बस पैसा चाहिए, कभी तो किसी और के बारे में सोचा कर। बाबा, अगर कभी मेरा सामना किसी शक्तिशाली जादूगर से हुआ तो उससे निपटने का आपके पास कोई रास्ता है? जिंदगी की और मौत, मृत्यु की और जन्म, जितना तुम चीजों से दूर भागोगे उतना वो तुम्हारे पीछे आएंगी। अब सब तुम पर है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आज तक नहीं समझा। मुझसे ये बात तुम्हारे मास्टर ने कही थी, उन्होंने जादुई पुरानी सड़क के शैतानों से लड़ाई की थी। देंग, मिस्टर शी से कहो मैं तैयार हूं। वो पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम बाबा की बातों में तो नहीं आ गए? अरे यार, ये सब अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं, देख रहे हो ना आजकल कैसे हर दिन भूकंप आ रहे हैं, क्योंकि नदी के नीचे की हवा सूख रही है। कैसी हवा, आप क्या बात कर रहे हैं? ये बात सच हो या ना हो पर मैं तैयार हूं, बहुत साल हो गए, ढंग से इंसाफ नहीं किया। मतलब कुओ के बड़े भाई को उस किताब वाले पागल ने अपनी बातों में फंसा लिया? तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, कुओ कल से थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। अबे यार, और कितने बंस खाएगा? क्या बकवास है, मांस बहुत कम है, बहुत कम, समझे तुम? और तुम उसके लिए मुझसे पैसे मांग रहे हो? कोई पैसा नहीं मिलेगा, माफ कीजिए। गो ए बॉस, हमारे लिए पैनकेक लेकर आओ। मैं पूछताछ कर रहा था, पुलिस के पास एक फाइल हुआ करती थी और बाद में उसे यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। क्या तुम शापित लाइब्रेरी से हो? मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पुलिस को फाइल पढ़ने भी दी होगी। बिल्कुल भी नहीं, ये गोपनीय है, आधिकारिक अनुमति के बिना कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। मैडम, आप अखबार पढ़ती भी हैं? हम लोग पुलिस अधिकारी हैं। तुम बाहर भी हो क्या? मैंने कहा ना, बिना आधिकारिक अनुमति के कोई कुछ नहीं कर सकता। पता है ये क्या है? ये नियम है, ये यहीं का नियम है। पर हम बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, तुम हमें अंदर जाने दो और हमें बाद में अनुमति दे देंगे। मैडम, हमें जरूरी काम है, नियमों को साइड में हटाइए प्लीज, मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो, है ना? शकल देखिए अपनी, जाओ यहां से। सिद्धि कहीं की। मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक, तुम लोग पुलिस वाले हो ना,
तुम लोग खुद फाइल क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? बोलो, तुम लोग यहाँ चोरी को कर रहे हो फिर? हमारा काम बस पानी के लफड़ों से निपटना नहीं है, उसकी अनुमति में आधा महीना लग जाएगा। इतना समय क्यों लगता है? ठीक है, कल मिलते हैं, मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। नियमों वाली अब भी यही है? वो अब तक नहीं गई। खिड़कियां बंद कर लेना, रात में हवा बहुत चलती है। मैं कर लूंगी, चलो अब मैं चलती हूँ। डिंगमाओ, अब अनुमति किसे चाहिए? जल्दी करो, आवाज मत करो। शीशे क्यों है? शायद नजर रखने का कोई तरीका है। बॉडी बम का हादसा भी यही हुआ था, ये तो सुनी सुनाई बात है। नहीं, कुछ साल पहले सच में ऐसा हुआ था। उस वक्त लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। उस बूढ़े आदमी को लाइब्रेरियन अपनी कुर्सी पर मुर्दा हालत में मिली थी, वो यही बैठी थी। मैडम उठिए, सुबह हो गई। मैडम, मैडम मदद करो, लाइब्रेरियन नहीं रही। लाइब्रेरियन, कोई देखो। तो जो बाद में क्या हुआ? लाइब्रेरियन के गिरने के बाद बूढ़े आदमी को उसको मारने का पता चला। उसका सीना पूरा खाली था क्योंकि उसके अंदर टाइम बम था। कुछ भी फेंक मत, ये सारी बातें बकवास है। अरे सच है, ये सब जापानी जासूस का काम था। वो किसी अधिकारी को मारना चाहते थे। तुम्हें यकीन नहीं है? गुओ, तुमने ऐसा ही केस 2 साल पहले भी सुलझाया था ना? मैंने बस ड्रग डीलर को पकड़ा था जिसने कुत्ते के पेट में ड्रग छुपा रखा था। उसके पेट में बम नहीं था। खैर, तब से ही इस जगह पर भूत का साया है और लाइब्रेरियन का भूत रात में यहां भटकता है। नहीं तो मैं यहां आने से थोड़ी डरता हूं। कहा था ना चुप रहना, वहां किसी की परछाई है। जल्दी करो, फाइल ढूंढो। खुल जाओ। अब क्या करें? तुम कैसे बदमाश हो यार? फाइल अंदर ही है, जल्दी करो, जल्दी। जल्दबाजी मत करो, इसमें समय लगता है। वही तो नहीं है, खोल तो रहा हूं। तुम लोगों ने कुछ सुना? हमें डराना बंद कर यार, चल खोल जल्दी। जल्दी करो, जल्दी। खुल गया, खुल गया। अरे बाप रे, तुम आधी रात में यहां क्या कर रही हो? तुम भूत के साथ मिली हो क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? फाइल चुरा रहे हो है ना? नहीं नहीं मैडम, हम चोर नहीं हैं। तो क्या हो? मुझे तो लगता है कि तुम तीनों चोर हो। अभी रुको, बचाओ। चिल्लाना मत। और हिलना मत। डिंगमाओ, इसके पीछे कोई नहीं है ना? Oh, my God.
तुमने तो कहा था कि भूत नहीं होते। मुझे कैसे पता? मास्टर ने कहा था भूत नहीं होते। जब तुम मास्टर से मिलोगे तो बता देना कि भूत होते हैं। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? वो एक काला जादू है। ठीक है, सब अलग हो जाओ। अलग पर क्यों? ये सच नहीं है, अपनी आंखें बंद करके भागो। क्या? जल्दी करो। सब ठीक है। समझ गया। क्या ये सब आंखों का धोखा है? देखो उसके हाथ में क्या है। उसने जादू किया होगा, उसमें शायद उस किताब का कोई अंश है। पकड़ो उसे, चलो। ये कछुआ ध्यान रखना। ठीक है, हम जाओ। कछुआ, तुम अब तक यहां क्या कर रही हो? मैं अपना कछुआ ढूंढ रही हूं। चलो यहां से।
बांध फैल रही है, जल्दी करो। लेकिन हमें कूदना होगा, तैयार हो जाओ। तेरी तो मैं, अरे साउथ स्ट्रीट पर फिर से आग लगी है। हाँ तो हमारे घर से आग बहुत दूर है। सुनो दोस्तों, तुम्हारे पास मछली है? तुझे क्या लेने देना हा? चल सारे निकल यहां से, चल। तुम आज इतने गुस्से में क्यों? मैं डर के मारे कांप रहा हूं, अब रिक्शे वाले को देखकर भी मेरी पेंट गीली हो जाती है। चले जाओ, मछली फंस गई। चलो मछली तो फंसी। बहुत भारी है, लगता है बहुत भारी है। किस्मत अच्छी रही तो पूरे महीने का काम चल जाएगा। अबे गुओ के बच्चे, हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या मैं मछली भी नहीं पकड़ सकता? अरे 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 रुको, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे फिर से तेरे चक्कर में नहीं पड़ना। अरे क्या यार, सुनो। हाँ? मेरा कछुआ? कछुआ तुम ठीक तो हो ना? तुमने कहा था ये कछुआ तुम्हारा परिवार है? मेरा छोटा भाई। क्या छोटा भाई? मेरा भाई जंग में नहीं रहा और ये मेरे पास आ गया। तो ये बात है? ऐसा इस फाइल में क्या है जो इसे चुराने की जरूरत पड़ी? मेरा बड़ा भाई। तुम्हारा बड़ा भाई? वो भी नहीं रहा। कुछ दिन पहले मुझे पता चला इस फाइल में उसके खूनी की जानकारी है। बदला लेना चाहते हो? पता है तुम कुछ नहीं जानती। तुम जानती क्या हो? हाँ मुझे बदला लेना है, पर मुझे ये बदला जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। तुम खुद को ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। बस अब बस करो, रोना बंद करो। हम उनके जैसे नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं। हमारा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। जब मैं नदी के रक्षकों में शामिल हो जाऊंगा तब तुम्हें सारी चीजें ला कर दूंगा। तुम्हें सच में खिलौना चाहिए, उसके बाद खाना खाओगे ना? ठीक है यही रुको। पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है भाई। मैं कुछ करता हूँ, तुम बस खाना खाओ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। शायद तुम सही हो, सारी गलती मेरी है। अगर मैं जिद नहीं करता तो मेरा भाई। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। देखो खुद को दोष देना बंद करो। हम सबको किसी बात का पछतावा होता है, पर अगर सब कल के लिए रोते रहेंगे तो आज को कैसे जिएंगे? कभी कभी ऐसी बातों को दिमाग में रखना चाहिए और उन गलतियों को धोने से बचना चाहिए। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा नदी के राजा। बस करो, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। अब मैं आगे कैसे बढ़ूं? क्या मतलब? सारी लिखावट धुंधली पड़ गई है। अब लियान हुआकिंग के बारे में कैसे पता चलेगा? लियान हुआकिंग? क्या तुम 20 साल पुराने इंसानी तस्करी के केस वाले लियान हुआकिंग की बात कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? चिल्लाओ मत,
लाइब्रेरी में मैं बोर हो जाया करती थी तो मैं पढ़ती थी। तुमने उसकी फाइल पढ़ी है? पुलिस को ये पता चला था कि लियान चिंदांग गांव से था और फिर कुछ सालों तक लियान बेजियाफिन क्षेत्र में भिक्षु बना रहा और तब से ही उसे किसी ने नहीं देखा। बेजियाफिन, गो गो। मैंने तुम्हें नदी में कूदते देखा था। तुम दोनों ठीक हो? तुम्हें सुवर का सिर मिला? आग लगी है। सब लोग आग बुझाओ, जल्दी चलो, जल्दी। क्या हो गया? पानी लेकर आओ, जल्दी मदद करो, इनकी पानी लेकर आओ। संभाल कर, जल्दी करो निकम्मो। ये क्या चीज है? ये क्या है? अरे इसका बदबू आ रही है। अब से दूर हो, सपना देखना बंद करो। जीना मुश्किल हो गया है। एक मिनट, मुझे बस अबे क्या कर रहा है? अबे अंधा है क्या? मैंने इंसानी सुअर को देखा। तुम्हारे क्या सर पर चोट लगी है? अब हम लोग क्या करेंगे? क्या मतलब? हमारे जाल तो हाथ से फिर से गए और हमारे पास अब पैसे भी नहीं है। अगर हमने नया जाल ले भी लिया तो गुवो का बच्चा उसे भी पकड़ लेगा। क्या करें बोलो? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नदी का रक्षक है तो क्या हुआ? अब हम पानी से दूर ही रहेंगे। अब हम जमीन पर काम करेंगे, ठीक है ना? करेंगे क्या? क्या करेंगे? हम दोनों गुंडे बनेंगे। तुम्हारा विचार सच में कमाल है। अरे मैं भी आया। हुआ। मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? दवाई दो, मुझे अपनी बीवी और बच्चे को देखना है। दवाई दे दो। तुम अपने मिशन में नाकाम रहे, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुएं धुएं को खत्म कर दूंगा। बस मुझे मेरी बीवी और बच्चों को देखने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। दवाई दे दो। फिर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अब हम चुप नहीं रह सकते, तो चलो थोड़े मजे करते हैं।
दादाजी यहाँ कुछ खा लेते हैं, ठीक है? सुनिए, वांटन कितने का होगा? एक कटोरे के 2 युवान, 3 वांटन और 10 पैनकेक, ठीक है? बस 2 मिनट। गोवा, वेज या फैन, यहाँ से दूर नहीं है। मैं तो सालों से वहाँ नहीं गया। वहाँ वैसे हुआ क्या था? यहाँ विदेश से तंबाकू बनाने वाली कंपनी आई थी। उन्होंने अपनी इमारत यहीं बनाई थी और सारे गाँव वालों ने तंबाकू उगाना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे पूरा गाँव भूखा मरने लगा। जब भी बारिश होती पूरे गांव में पानी भर जाता। फिर तंबाकू कंपनी बंद हो गई और पूरा गांव ऐसा खंडर बन गया। अब ऐसा कुछ नहीं है, सुना है अब वहाँ बहुत से कारीगर रहते हैं। ये कारीगर वकीयों से है क्या? उनमें से कुछ है। आपका वांटन तैयार है, शुक्रिया। सुनो 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 सुनो, आप सब विजयफेन जा रहे हैं क्या? मेरी बात मानो, वहां मत जाओ। पर क्यों? विजयफेन एक शैतानी जगह है, वो जगह शापित है। अरे वांटेड बहुत अच्छा है। मुंह बंद करके खा। शापित से आपका क्या मतलब है? लोग उस जगह पर बहुत बुरी मौत मारे गए हैं, समझे तुम? मेरी बात का यकीन करो। लोग कहते हैं वेजियफेन के नीचे एक यिंग यांग नदी है जो रात में दिखाई देती है। गलती से भी जिसका पैर नदी में पड़ जाए वो भीगते हुए सीधा नरक में चला जाता है। नरक में चला जाता है? मजाक मत करो चाचा। चाचा देखो, हम लोग तो नरक में नहीं मानते, पर आपने वांटन अच्छा बनाया है, मैं एक और लूंगा। माफी चाहता हूं पर मेरे पास अब और समय नहीं है। अपना खाना खत्म करते ही सीधे अपने घर चले जाओ, समझे? बारिश होने वाली है, मेरी बात मानो, अंधेरा होने वाला है। भले ही तुम्हें कोई परेशानी ना हो लेकिन तुम बारिश में फंसना नहीं चाहोगे ना? पूरब की ओर देखो, देखो अब तुम क्या हो? ये जगह तो खंडर नहीं है, यह तो शैतान है। थोड़ा ध्यान से देखो, उसका सिर नकली है। आपकी नजर बहुत तेज है। आपका स्वागत है बेयांग सर्कस में। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! मैजिक शो में आओ, किसी को गायब होते हुए देखिए। आइए देखो यहाँ क्या चल रहा है। तूने पहले ऐसा कुछ देखा है? हाँ? खूबसूरत सांप देखो, आओ सांप देखो, आ जाओ अपना टिकट लो। खूबसूरत सांप देखो, आओ सांप देखो, खूबसूरत सांप देखो। है क्या बात कर रहा है यार, ये कैसा सांप है? अरे तुम लोग भी देखो, जल्दी आओ। पहले टिकट तो लो, एक टिकट के 10 सिक्के। खूबसूरत सांप देखो, आओ सांप देखो। आओ अपनी किस्मत आजमाओ, 10 किलो का चूल्हा ले जाओ, 10 किलो का चूल्हा ले जाओ। आइए आइए। सच में 10 किलो का? हाँ 10 किलो का। ये जगह राजधानी से बहुत दूर नहीं है, यहाँ कमाई हो जाती है। सच कहूँ तो मैं शहर में सर्कस चलाना चाहता हूँ, पर वहाँ प्रोटेक्शन मनी बहुत ज्यादा है और यहाँ हमारे साथी देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो हम यहाँ करतब दिखाने लगे। अगर आपको यहाँ मजा आए तो हमारे बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताना। जरूर। आज आप मेरी भी परफॉर्मेंस है, अब मुझे जाना होगा।
तो कैसा था 10 किलो का चूहा? साले होटल दिखा के लूट रहे हैं। संभल कर रहना, ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। चलो अपना काम करते हैं। लियन हुआ कि मैंने ये नाम नहीं सुना। मुझे नहीं पता, और मुझे नीची नजरों से मत देखो। मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना है। कौन है ये? किसका क्या? मुझे कम सुनाई देता है। हाँ हाँ अब चुप हो जा। ये लियान हुआ किंग के बारे में पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है? यहाँ कोई आम आदमी है भी या नहीं? मुझे तो लगता है ये सारे कलाकार अजीब हैं। कलाकार अजीब है क्या? तुम चिंतांगे के लियान हुआ किंग को ढूंढ रहे हो? मुझे पता है वो कौन है। सुनो, चलो अब हमें जल्दी बताओ क्या जानते हो। मैंने बस इतना सुना है कि उसकी माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो उसे नदी में डूबने से किसी ने बचाया, फिर उसने 2 पुतली वाले बच्चों को जन्म दिया। लोग कहने लगे उसने नदी के शैतान। नदी का शैतान? वो नदी का शैतान है तो तुम? आगे बताओ। उसकी माँ के मरने के बाद उसके लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया था, जहाँ से लियान वेजोफिन चला गया और 2 भिक्षुओं के साथ रहने लगा। वो तीनों एक साथ रहते थे। मिस्टर कुआन के सामने अब से हम तीनों भाई होंगे। वो दोनों छोटे भिक्षुओं ने लुआन हैंकुंग को अपना बड़ा भाई मान लिया। वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे, पर तीनों का बुरा वक्त आने वाला था। वो तीनों भूख से मरने लगे। लियान हुंगकिंग को अब अकेला खाना मांगना पड़ रहा था। तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई, तुम हमारे लिए खाना लाए, तुम बहुत अच्छे हो। तुम क्या बोल रहे हो? ये खाना मेरा है, यहाँ सोते रहने से खाना कैसे मिलेगा? तुम ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? हम कमजोर थे इसलिए हम मांग नहीं सके, नहीं तो हर दिन हम खाना लाकर तुम्हें ही देते हैं। क्या तुम भूल गए? लोग कहते हैं तुम नदी के शैतान हो, पर हमने तुम्हें अपना भाई बनाया। तुम बहुत ही बुरे हो। चलो भी, मैं मजाक कर रहा था। आखिर मैं बड़ा भाई हूँ, तुम्हें भूखा थोड़े ना रखूंगा। ये खाना मैं तुम लोगों के लिए लाया, तुम लोग खाओ, मैं लकड़ी लाता हूँ। तुम तो बहुत काम के बच्चे हो। मैं बूढ़े आदमी का मैजिक ओल्ड रोड का पागल कहते थे। उसने लियान हुआंकिंग को अपना शिष्य बना लिया और उसने उन दोनों बच्चों को एक पेड़ के नीचे ही दफना दिया। ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये लियान हुआंकिंग बहुत ही घटिया आदमी है। अगर तुम्हें कभी लियान मिला तो उसकी किसी बात पर यकीन मत करना। उसका बाया कंधा उसकी कमजोरी है क्योंकि उसे पहले चोट लगी थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम हो कौन? मेरा बदला लेना नदी के राजा। क्या हुआ गुओ? यहां तुम अकेले क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो बच्चा कहां गया? कौन सा बच्चा? सुअर का मुंह, पकड़ो उसे। रुको, गुआ उठो। Thank you.
मारता हूं उसे। आज उसे छोड़ेंगे नहीं। डरो मत, मैं हूं ना। उसे जल्दी छोड़, चल जल्दी, मैं भी आया। अभी यहां क्या हुआ? जल्दी चलो, चलो। पक्का अंदर गया होगा ना? ये तो पुरानी तंबाकू कंपनी है। चलो। सुनो, क्या तुमने नकाब पहने किसी सुअर को देखा है? सुनो, क्या तुमने यहां किसी आदमी को देखा है जो इतना लंबा है और सुअर का नकाब पहना हुआ है? जिस आदमी का परिवार बर्बाद हो गया, उसने कसाई बनना चुना। उसके चेहरे और उसकी शख्सियत को लेकर सब उसे नीची नजरों से देखते थे। उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी, तभी अचानक उसे उम्मीद की रोशनी दिखी। एक अच्छे परिवार की लड़की उसकी जिंदगी में आएगी, उन दोनों के बीच प्यार हो गया। पर नसीब को उन दोनों का मिलना मंजूर नहीं था। लड़की पेट से थी और अपने प्रेमी के साथ भाग जाना चाहती थी। एक हादसे ने उसकी जान ले ली। उस लड़के की दुनिया उजड़ गई, क्योंकि वो लड़की ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो सच्चाई का सामना नहीं कर सका और उस रात उसने ईश्वर से प्रार्थना की अपने प्यार से दोबारा मिलने के लिए। वो कुछ भी करेगा। और तभी एक चमत्कार हुआ। ईश्वर ने उसी समय उसकी इच्छा पूरी कर दी, जिसकी कीमत में हमें आदमी को ईश्वर का दूध बनाना पड़ा। वो कैसा बंदर था? Thank you.
होश में आओ। यहां से आओ। ये तो वो कसाई है भाई। मैं जानता हूं कि ये सब मेरा भ्रम है, पर काश मैं एक और बार तुमसे बात कर पाता। ये तो मिस्टर शी की बेटी है। ध्यान हुआंकिंग के काले जादू का असर। लियान हुआकिंग, सामने आओ। लियान हुआकिंग, कब तक छुपते रहोगे? सामने आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं भाई के जैसा बेवकूफ हूं क्या? तूने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। सामने आओ शैतान। अगर मैं शैतान हूं तो भाई सी हूं उससे बड़ा शैतान है, समझे? तुम्हें क्या लगता है उस नाटक में पूरी सच्चाई थी? अगर मैं कहूं भाई सी हूं ही तुम्हारा शैतान है तो, जिसने तियानजिन में बहुत से लोगों की जान ली है तो, मिस्टर शी की बेटी तो उसे जानती भी नहीं थी पर उसने उसे मार दिया। सामने आओ। खूबसूरत थी बस इसलिए मार दिया, उसको घर ले गया और उसको वही छोड़ दिया। जब उसकी लाश सड़ने लगी उसने उसे जमा दिया,
अब क्या भाई तुम्हारे दया के लायक है? अपनी बकवास बंद करो। ठीक है, चलो कुछ और बात करते हैं। तुम्हारी बात करते हैं। हिलना मत। तुम चाहते क्या हो? मैं बस देखना चाहता हूं हमारे नदी के रक्षक सच में रक्षक हैं या नहीं। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो इसे। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो पहले हम एक खेल खेलेंगे। ये अभी मेरे मंत्र के काबू में है, अगर तुमने कोई गलती की तो ये मर जाएगी। ठीक है, तुम्हारी चालों के लिए मैं तैयार हूं। मैं बस देखना चाहता हूं क्या हमारे महान नदी के रक्षक किसी की जान ले सकते हैं। छोटे, क्या तुम हो? मेरा भाई? जल्दी से नीचे पड़ा चाकू उठाओ, दोनों में से कोई एक ही जी सकता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, समझे? मेरा भाई मर चुका है, इस सब का मतलब क्या है? बात तो सही है, अगर तुम्हें अपनी बात पर यकीन है तो तुम उसे मार क्यों नहीं देते? पर क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मेरा भाई मर चुका है। जल्दी चुनो, नहीं तो मुझे चुनना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। क्या हुआ? क्या तुमने फिर से लैंग से लड़ाई की? मैं उनसे बात करूंगा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही जरूरी बात बतानी है। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम वक्त पर खात हो रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। मैं अब पेट भर के खाता हूं, सच में। मेरे भाई मुझे माफ कर देना। जिंदगी और मौत, मृत्यु और जन्म, जितना तुम चीजों से दूर भागोगे उतना वो तुम्हारे पीछे आएंगी। अब सब तुम पर है, क्या तुम अपनी कमजोरी पर काम कर रहे हो? सच कहूं तो तुम्हारा शुक्रिया नेहान, वाकई तुमने मुझे समझा है। जिन चीजों का मैं सामना करने से डरता हूं वो वहम नहीं, मेरे जज्बात हैं। और मुझे नदी का रक्षक कहना बंद करो, शैतान कहीं के। गुडो, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई? मेरी हालत देखो यार, मैं बंदा हुआ फिर भी तुम मारना चाहते हो मुझे। मुंह बंद कर। तुम्हें हुआ क्या है गुवो? ऐसा लग रहा था जैसे तुम कहीं खो गए हो, और तुम यूसी को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरी किस्मत ही खराब है, उस रात हम लोग किसी औरत का पीछा कर रहे थे। मैं सच कह रहा हूं बिल्कुल, पर वो औरत नहीं बंदर थी, उसने मेरे दोस्तों को मार दिया, सबको मार दिया।
यहाँ चल क्या चल रहा है? लगता है यहाँ के लोगों पर भी जादू का असर हुआ है। ये तो मुझे भी पता है, पर हमने तो उसे देखा भी नहीं। तुम लोग अब सोच क्या रहे हो? चलो वापस चलते हैं। यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। सब अपने घर जाओ। क्यों है? ये बांध का पानी है। सब शांत हो जाइए, हम लोग पुलिस से हैं। सब लोग ऊपर जाओ, नाव अपना पानी के ऊपर आ जाएगी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो ऊपर जाओ, जल्दी करो ऊपर चलो, संभाल कर चलो, जल्दी चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी करो, अंदर चलो, चलो चले। नाव तो नीचे है, पकड़ो, अपना ध्यान रखना। लेंग यूसी, तुम दोनों पहले जाओ, बाकी सब बाद में जाएंगे। सब लोग हिम्मत रखो, किसी को कुछ नहीं होगा। चलो नीचे उतरो। मैं पहले क्यों जाऊं? अबे पहला नंबर तेरा ही है, चल कुछ नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। नीचे मत देखो। आराम से। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे थोड़ा जल्दी करो, अब मेरी बारी। लेंग संभाल कर, यहां से नीचे उतरो, अब बाकी सब जाएंगे, संभाल कर। लो तुम पकड़ो। सुनो सब यहाँ आओ, मेरा नीचे जाना जरूरी क्या? है क्या? मैं पानी से नहीं डरती, समझो। अरे आ जाओ। चलो अब तुम जाओ, संभाल कर। अगला कौन है? आराम से उतरो, जल्दी करो, सब लोग नाव को सीधा करो, जल्दी ऊपर आ जाओ। अरे नाव को ऊपर से रख देना। इस बार तुम नहीं बचोगे। ले आ नुआ के। आत्मा की आवाज समझो, जिनके पास कुछ छुपाने को होता है अक्सर वही छुपते फिरते हैं। अब तुम बताओ। अब तक तूने हमें बहुत मचाया है, पर अब और नहीं। इसे जिंदा क्यों छोड़ा? हम गुंडे नहीं है, हम पुलिस हैं, हम जान नहीं लेते। इसका इंसाफ तो कानून ही करेगा। आज पहली बार तुमने पते की बात कही है। बस नाव चलाने पर ध्यान दो, हमारी नाव पलट गई तो बेटा तुम गए। पर जेल भेजने से पहले पूछताछ तो करनी चाहिए। चलो बताओ, लाशों को सजाने के लिए 9 गाय 2 बाघ और मुर्गे का इस्तेमाल क्यों किया? हाँ, अब ये मत कहना ये सब जादू टोना था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मुझे नहीं लगता तुम देख रहे हो, ये सच है। मैंने जानबूझकर तुम्हें लाशों को ढूंढने दिया। हाँ हाँ, क्योंकि तुम
शोर मचाना चाहते थे। तुम समझदार हो नदी के रक्षक, ये सच है। तियानजिन में बाढ़ लाने का एक ही रास्ता है, वो कोई जादू नहीं था। मुझे बस बांध को उड़ाना था। मैंने बांध के नीचे डायनामाइट लगा दिया है और अब बस एक और जगह बची है। तुमने अब से पहले कुछ क्यों नहीं किया? किसका इंतजार है? तुम अब तक नहीं समझे, मुझे तुम्हारा इंतजार था नदी के रक्षक। चलो मैं तुम्हें समझाता, बाढ़ लाना मेरा मकसद नहीं है, मुझे बस सबको बताना है कि बाढ़ कौन लाता है। जादुई पुरानी सड़क लाती है, उसके बाद तुम्हारे लोग भी जादुई पुरानी सड़क को पूछने लगेंगे, समझे तुम? तेरे मंसूबे कभी सच नहीं होंगे। अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे डर फैलाना था, मुझे लोगों में जादुई पुरानी सड़क का डर फैलाना था। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं कब का मार देता। तुम लोग नदी के रक्षक हो और मुझे राक्षसों को नरक में ढकेलना था। पूरी दुनिया तुम्हें मुझे मारते हुए देखेगी और सबका भरोसा तुम पर से उठ जाएगा, और जब उनका भरोसा टूटेगा तब जादुई पुरानी सड़क उनका नया भरोसा बनकर उभरेगी। तुम लोग सुन रहे हो, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? मुझे ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया मतलब के लोगों से भरी हुई है, समझे? इसे बदलना होगा, मैं इसे बदलूंगा। होश में आ जाओ, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यसे जल्दी करो। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे दोस्त। अबे ये क्या है? क्या हो? हम कहाँ हैं? बाकी सब कहाँ हैं? लियो फेंग और यूसी कहाँ हैं? हाँ, मुझे लगता है ये उसका दूसरा जादू है। बहुत ठंड है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सी जगह है? लियानहुआ किंग, तुम करना क्या चाहते हो? कौन मैं? मेरा प्लान बर्बाद हो गया, मेरा जीना बेमतलब है, पर कम से कम मैं नदी के रक्षकों को अपने साथ लेकर मर ही सकता हूं। Thank you.
लैंग गो। जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारी आवाज हमारे बच्चे जैसी लगती है, और सच कहूं तो तुम्हारा सर फोड़ने में ज्यादा मजा आया। शैतान तो मर गया, फिर ये छलावा दूर क्यों नहीं हुआ? नदी कहाँ गई? अब हम क्या करेंगे? बस ऐसे भटकते रहेंगे? अगर ऐसे भटकते रहोगे तो कभी बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हें तीनों याद है? हाँ, ये तो वांटन वाले चाचा है ना, ध्यान से देखो ये यहां क्या कर रहा है। तुम जानते हो ये कौन सी जगह है? ऐसी जगह जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें यहां से बाहर निकलना है? अगर निकलना है तो तुम्हें तीन वादे करने होंगे। मैं सब कुछ करूंगा, बस हमें यहां से बाहर निकालो। पहला वादा, ज्यादा बोलना बंद करो। दूसरा, जब मैं तुम्हें बाहर निकालूं पलट कर मत देखना। तीसरा, बाहर निकलने के बाद खुलकर जीना और कभी किसी को मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना। क्या तुम वादा करोगे? पर मेरा एक सवाल है, ये बताओ आप यहां क्यों आए हैं और हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अब मैं इसी जगह पर रहता हूं और मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं। शायद तुम भूल गए, मेरी पोती जब नदी में बहती जा रही थी तब तुमने इसे बचाया था। अब समझे? ठीक है, अब देर हो रही है, अगर अभी नहीं गए तो फंस जाओगे। मेरे सामने चलना शुरू करो, मैं पीछे पीछे आऊंगा। याद रहे, तुम्हारी आंखें बंद होनी चाहिए और पीछे पलट कर मत देखना। कमाल हो गया गुवो, तुमने बच्चे की जान बचाई थी, तुमने ये बात कभी बताई क्यों नहीं? यार ये सब कब हुआ था मुझे याद नहीं है। रुको, ये आवाज, ये तो पानी है। सच में? हाँ पानी है। पानी? अरे चाचा, ये सांप यहां क्या कर रहा है? दुनिया बहुत खराब है। जाओ बच्चे। मिस्टर गु, ऊपर आ जाइए।
जल्दी ऊपर आओ। मैं तो डर ही गई थी। तुम सब ठीक हो ना? अरे मैडम, हम नीचे कब गिरे थे? करीब 2 मिनट हो गए। बस 2 मिनट हो गए? हाँ। ये भी चला हुआ ही था क्या? और तुम कहाँ थे? ये तो डूब कर मर गया, अभी ऊपर आया है। ये आदमी ही नदी का शैतान है। क्या? कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो यहाँ से। चलो, सब खत्म तो हुआ। मुझे घर ले चलो यार, इनाम कल ले लेंगे। कैसा इनाम? पहले बाकियों को सब बताना होगा। मैं तो फिश पैन के खाने जाऊंगा। कोई आएगा? मैं भी चलूंगा। और मैं भी। प्लान तो अच्छा है दोस्तों, पर हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है? यूसी को पता है? क्या मतलब यूसी को पता है? मैं बस एक मामूली मछुआरा हूँ। हाँ, हमें भी पता है। हमें बस जल्दी से यहाँ से ले चलो। बेचारा यूसी। मेरा बैग पूरा गीला हो गया है, अब नया लेना पड़ेगा।